जया बालन एंड यू वाचिंग एक्सपोज इंडिया। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर आसपास की सीटों को सियासी तौर पर प्रभावित करने की रणनीति बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तक ने चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव इसी फॉर्मूले के तहत 2012 के चुनाव में भी नहीं उतरे थे। सपा की सत्ता में आने के बाद विधान परिषद के जरिए विधानमंडल के सदस्य बने थे। विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उसके पीछे कई सियासी कारण हैं। इसमें एक कारण है कि अखिलेश यादव अगर किसी एक विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनते हैं तो बीजेपी और बसपा जैसे विपक्षी दल उनके खिलाफ अपने मजबूत प्रत्याशी उतारकर उन्हें घेर सकते हैं। ऐसे में अखिलेश को अपनी सीट निकालने के लिए चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय अपने क्षेत्र को देना होगा, जिससे प्रदेश की बाकी सीटों पर चुनाव अभियान प्रभावित होगा। वो अकेले ऐसे आदमी है सपा पार्टी के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है और सभी प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक के रूप में भी वो काम करना चाहते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Hi, this is Alia Bhatt. Hi, I am Mary Kom. Hi, guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shirdasani. Namaskar, I am Aman Yatan Verma. Hello, I am Ritu Singh. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi. Namaskar, I am Manoj Tiwari. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India.